हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकरजी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकरजी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकरजी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है।
जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है।
छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतंगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है।
बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजन द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अराजकता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है।
बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतंगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है।
और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अराजकता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में,
तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सर्गोटेमा की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहां स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सर्गोटेमा लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इन्जॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है।
मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अराजकता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी
26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उटेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है, और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका
परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है, वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को
छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक
सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा
और ज्ञान प्रकाश कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजन द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी
26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उटेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इंजॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है, और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है, और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है, और उनका
परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है, वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतंगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को
छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक
सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटेमा की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहां स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटेमा लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा
और ज्ञान प्रकाश कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतंगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है, और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अराजकता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की,
तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।
हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है, और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है।
जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है।
यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सर्गोटेमा की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहां स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सर्गोटेमा लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भावस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इन्जॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको
नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजन द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिय पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उट्टेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88%
लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है, तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है,
तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उटेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है, तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इंजॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतंगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी, जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे
की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा, यह मूवी आपको शानदार ज़बरदस्त लाजवाब लगने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है। तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने की मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे
को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि भानु बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अराजकता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अगर आप मिमी मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं मिमी मूवी के बारे में। तो यह मूवी 26 जुलाई 2021 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जी के द्वारा। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है। और इस मूवी को बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से, तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 25% फ्रेश बताया गया है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से भी 88% लाइक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से 88% पसंद किया गया है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो इस मूवी की टाइम लेंथ 2 घंटा 13 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, तो इस मूवी में आपको कई अहम बड़े कलाकार अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, जिनमें प्रमुख है कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, सुप्रिया और रजत शर्मा, मनोज पाहवा और ज्ञान प्रकाश। कई बड़े कलाकार आपको अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब लगने वाली है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस मूवी में आपको कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, तो यह मूवी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलने वाली है, तो यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार, ज़बरदस्त लगने वाली है। मिमी मूवी आपको वर्ष 2021 में जारी हुई हिंदी भाषा की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे लक्ष्मण उट्टेकर जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दिनेश विजान द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें कृति सैनन मुख्य भूमिका में है, जो आपको एक विदेशी जोड़े के लिए माँ बनने के मान जाती है, और पंकज त्रिपाठी, साई तमनाकर,
मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक सहायक भूमिकाओं में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो इस मूवी को आपको बिल्कुल भी इंजॉय जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी को 26 जुलाई 2021 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर भी जारी किया गया था। मिमी की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और अक्टूबर 2019 में राजस्थान और मुंबई में इसका फिल्मांकन हुआ था। फिल्म का संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है। छायांकन और संपादन मनीष अग्रवाल और मनीष प्रधान जी के द्वारा संभाला गया है। यह मूवी 2011 की मराठी फिल्म मला आई की रीमेक है। तो यह मूवी आपके एक बार जरूर से ज़रूर इन्जॉय की करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जॉन और समर एक अमेरिकी दंपति है जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है। वे सरगोटे माँ की तलाश में राजस्थान जाते हैं, जहाँ स्थानीय नृतांगना और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री मिमी राठौड़ और उनके आदर्श सरगोटे माँ लगती है। उन्हें स्थानीय टैक्सी ड्राइवर भानु प्रताप पांडे को 20 लाख रुपए के वादे के साथ मिमी को मनाने के लिए कहा जाता है। मिमी जो बॉलीवुड में एक हीरोइन बनने की चाहत रखती है, शुरुआत में हिचकटाट के बाद सहमत हो जाती है और फिर मिमी जॉन और समर के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। अपने माता पिता के गर्भ अवस्था को छिपाने के लिए मिमी उनसे झूठ बोलती है कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए 9 महीने के लिए मुंबई जा रही है। वह अपनी दोस्त समा के साथ रहने लगती है और 7 महीने बाद नियमित जांच से पता चलता है कि मिमी के अजन्मे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिससे जॉन और समर बहुत चक्के हो जाते हैं और वे कहते हैं कि वे अब बच्चा नहीं चाहते हैं और अचानक अमेरिका चले जाते हैं। वे मिमी को गर्भपात कराने का सुझाव देते हैं। निराश होकर वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और मिमी घर लौटती है और झूठ बोलती है कि बच्चा भानु का है, और जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि भानु की पत्नी दिल्ली में रहती है। मिमी एक स्वस्थ लड़के राज को जन्म देती है, जिसे पता चलता है कि पहले की जांच का परिणाम गलत था। बच्चे की गोरी त्वचा के कारण लोगों में उत्सुकता और हैरानी पैदा होती है, जिससे वह स्थानीय रूप से मशहूर हो जाता है। जब भानु का परिवार राजस्थान में आता है तो भ्रम और अजागता फैली जाती है। आखिरकार मिमी और सरोगसी के बारे में सबको बता देती है और उनका परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेता है। वह राज में गहराई से जुड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए अपनी बॉलीवुड महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देती है। तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।